हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो बकवास नहीं, 15 मिनट में मैं नहा धो के आता हूँ। 2 मिनट का मैं बोलता हूँ लेकिन होता नहीं है। आज मैं सच में बोल रहा हूँ कि 15 मिनट लग जाएंगे, तो पानी तो रख दिया है। 15 मिनट में मैं सिर्फ ना के आया, तो मैं नहा धो के तो रेडी हो गया हूँ मस्त से। आज बहुत दिनों के बाद मैंने, बहुत तो नहीं लेकिन फिर भी 3 या 4 दिनों के बाद मैंने पहना ब्लैक शर्ट, जो कि मेरा फेवरेट है। फिलहाल तो मैं रेडी हूँ। और एक बात, 8 बज रहे हैं और अभी तक उठ के किसी ने चाय नहीं बनाई यार। मुझे जाना है, देखो पानी रखा हुआ है, पानी तो गर्म हो गया लेकिन चाय नहीं रखी यार किसी ने अभी तक। चाय चाहिए थी लेकिन जाने तो नहीं। पापा जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, दीदी पढ़ाई कर रही है और ये डब्ल्यू चल रहा है। हमारा कल का एक्सपेरिमेंट जो थोड़ा सा बचा हुआ है अभी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप मेरे लिए कल। मजाक नहीं, हमने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ ट्राई किया। मैंने कुछ शूट तो ज्यादा किया नहीं लेकिन हमने बहुत ज्यादा मस्ती की। हाँ, ये तो घर पे नहीं थी, ये अभी भी आज भी जाएगी और शाम को सीधा 5 बजे आएगी, बिकॉज इनके अभी प्रैक्टिकल चल रहे हैं और इस महीने के एंडिंग में मेरे भी टेस्ट है। तो इस अभी मतलब ये महीना हो गया, फिर नेक्स्ट महीने के 6 तारीख के बाद मेरी ट्रैवलिंग शुरू हो जाएगी। भाई मैं कहीं ना कहीं तो चला जाऊंगा घूमने। मैं सेल्फ बेटर बन के अपनी चाय खुद ले जाके जा रहा। अरे यार, पापा जी की लानी भूल गया। तो फाइनली मैं अभी निकल गया घर से, मैं निकल रहा हूँ साइकिल बाहर। फाइनली मैं अभी घर पे पहुँचा, चप्पल तो उतार दी। भाई मैं थक गया, थोड़ा सा स्पीड ले आया मैं, बिकॉज पापा जी को आज भी ले जाना है। आज भी पापा जी की इम्प्रूवमेंट ज़्यादा नहीं है, थोड़ी देर में ले जाता हूँ। अभी मैं पापा जी को तो छोड़ के आ गया लेकिन मैंने रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज मोबाइल घर पे ही था। मगर क्यों, उसमें चार्जिंग कम थी बहुत ज़्यादा। ये भी ठीक है, ज़्यादा मेरे पास कैमरा नहीं है यार, मैं कैसे करूँ। और अपने खाने का सब सामान आ गया है, मैंने देखा भी नहीं है आज क्या बना है, शायद कोई तो भी। अरे भाई भाई, सो गाइस मैं रेडी हो गया हूँ पूरा का पूरा, बिकॉज आज भी मैं जा रहा हूँ मार्केट। दीदी अभी जस्ट आई है थोड़ी देर पहले, थक गई है बहुत ज़्यादा और घर के भी काम बाकी है। दीदी तो घर के काम करेगी तो मुझे ही जाना पड़ेगा मार्केट। तो आज दूसरी बार मैं फिर से करने वाला हूँ मार्केट में ब्लॉग। अब पता है भाई, क्राउड इतनी ज़्यादा होती है उसमें ब्लॉग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज वो सब मतलब उनकी सब आवाज़ चलती रहती है। कुछ लोग मार्केट मतलब चिल्लाते रहते हैं 10 रुपये 5 रुपये सब जीरो, तो उसमें आपने जोर से बोलना बहुत ऑड लगता है यार। वो सब ऐसे शांति से सब्जियाँ खरीद रहे हैं, कुछ चिल्ला रहे लोग, अपन बीच में ब्लॉग कर रहे हैं तो अलग एक्सपीरियंस है भाई। मज़ा आता है लेकिन थोड़ा सा एम्बेरसिंग फील भी होता है। तो मैं अभी तो रेडी हूँ, बाल तो कुछ करने नहीं मुझे, मैं तो कैप पहन के जाऊँगा बिकॉज बाल ऐसे ही ख़राब हो रखे हैं पहले। अगर उनको सेट करने बैठा तो अभी आधा घंटा हो जाएगा मुझे। तो सब रेडी है, अब निकलते हैं, मम्मी जी तैयारी कर रही हैं। तो गाइस मैं तो रेडी हूँ, सामने से ही धूप आ रही है यार, देख भी नहीं सकता रहा मैं ठीक। पागल, मम्मी जी भी ये देखो रेडी है, बीटरूट लगा दिया है। अभी चलते, पहले तो पेट्रोल डालाना है मुझे, बिकॉज दो तीन दिन से घूम ही रही है गाड़ी, उसमें पेट्रोल ही नहीं डला है। तो गाइस फाइनली हम पहुँच गए, मैंने गाड़ी पार्क तो कर दी है। अरे उधर है, उधर है, मैं भी आगे जा रहा था। तो चलो मैं अपने जॉब पे तो लग गया हूँ, बैग्स पकड़ना जिसके लिए मैं आता हूँ। फिलहाल ये भैया जी सेटिंग कर रहे हैं, मतलब सेटिंग नहीं वैसे ही नहीं, वॉइस की मतलब जो स्पीकर होता है उसमें चल जाता है इतने रुपए किलो, वो सब वही कर रहा है भाई, हो गया लगता है। और इधर भी कंट्रोवर्सी चालू, दे दो यार।
लिटरली जितना पूरी बैग का वज़न नहीं होगा, मतलब अब तक हमने जितनी सब्जियां खरीदी थी जितना पूरी बैग का वज़न नहीं होगा उससे 1.75% ज़्यादा टमाटर का वज़न हो गया भाई। इतने टमाटर, 3 किलो टमाटर लिए मम्मी ने। एक देखो ऐसे 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 लगा के रखे उनको, कैसे तो भी फिक्स किए हैं मैंने, तो बहुत अभी तो बहुत ज़्यादा वज़नदार हो गया बैग, उठाना मुश्किल हो रहा है भाई। आगे पता नहीं मैं ब्लॉक कर पाऊँगा या नहीं, बस एक हाथ से उठाना बहुत। चलो मम्मी अभी नींबू निकाल यार, हरे हाँ है। चलो फिर नींबू लेते, देखते आगे क्या क्या लेना। और सो गाइस ऑलमोस्ट पूरी बाजार हो गई। हाँ भाई यार कोई मास्क नहीं लगा रहा इधर, सर्दी खांसी हो रही लोगों को, फिर भी मुझे कुछ नहीं है, मैं फिर भी मास्क लगा के घूम रहा हूँ यहाँ पे। ऊपर से मुझे चलो नहीं कभी नहीं, पूरी हो गई है भाई बाजार, तो कहीं रुकना नहीं, अभी सीधा चलेंगे घर पे। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। और मैं से लंगड़े की तरह चल रहा हूँ, बिकॉज ये जो थैली है ये इतनी वज़नदार है कि मुझसे एक हाथ से पकड़ी भी नहीं जा रही। भाई साहब यहाँ तो ट्रैफिक जाम लगा रहा है, सब गाड़ियाँ बाहर के साइड में और मेरी इस गाड़ी अंदर की साइड में रह गई यार। कौन है ये लोग यार, अभी कुछ ना कुछ झोल करके गाड़ी निकालनी पड़ेगी। तो फाइनली मैंने कैसे तो भी रास्ता ढूंढ निकाला है, अभी मैं निकल सकता हूँ फाइनली। भाई लिटरली हालत ख़राब हो गई है, बिकॉज बहुत ज़्यादा वजन था इस बार तो। ये किसने चालू किया, चलो तो गाइस। तो गाइस फाइनली घर पे, मैं कैसे बोलूँ, तो गाइस फाइनली घर पे पहुँच गए भाई। मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मेरे को पहले तो चाहिए पानी। यार हमने बोला था पापा जी को, नहीं अभी अभी आज तो हो ही जाने दो आज। बैठो ओके। तो पापा जी का कहना है कि मैं जाके लगा के आ गया, लेकिन पापा जी गए ही नहीं। हमने बोला था कि जाके आना, लेकिन पापा जी ने तभी सुना नहीं। अभी मम्मी जी, अबे कुत्ते मैं भी जाऊंगी कल, आपको भी जरूरत है, सलाइन लगाऊंगी मैं। तो सब तो ये जो सब्जियां थी ये सब अभी मुझे डालनी है अंदर फ्रिज में। तूने शेर भी खाया? सिर्फ हाँ खाली मैंने भाई, लिटरली 3 किलो टमाटर लिए है इस बार मम्मी ने, 3 किलो। मैं भी खाता हूँ उतना ही, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं टमाटर खाने में। अंदर आ जा, अरे ये तो अंदर ही नहीं जा रहे, अटक गए, गिर गए, दो तीन गिर गए। नहीं कुछ नहीं हुआ। अरे क्यों गिर रहे यार, निकल जाए यार, चलो जाने दो। ये जाने का नहीं बोल रहा है तो अभी सीधा पेट मेरे पेट में जाएगा, इसको नहीं जाने दूंगा भैया मैं कहीं। मेरा मन कर रहा था ये खाने का, तो मम्मी जी मेरे लिए अलग से बना रही है भाई, मतलब मेरे मूड पे डिपेंड होता है। एक मिनट और थोड़ी सी लो, थोड़ी सी डालो। चलता है, ज़्यादा हो जाएगी बेटा, तो ये मेरी शिवाजी आ गई और सब बैठे खाना खाने के लिए। और ये देखो ये चल रहा है, मैं तो फुल अपोजिट साइड में बैठा हूँ टीवी के, मुझे कुछ दिख नहीं रही ठीक से। हमारा तो हो गया, और ये देखो कॉकरोच मामू वैसे। अरे तू ऐसा क्यों करता है भाई, अरे एक मिनट यार, हम लाओ 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 लाओ, चलो अंदर आ जाओ, आ जाओ, चलो चलो सब, तो फिर तू भी आ जा, चलो खाओ। अरे खा लो यार, तुम्हारे लिए सब कुछ। हमारा तो हो गया भाई, अभी इनका चल रहा है। और ये खाएंगे नहीं लेकिन घूमेंगे इधर उधर, सिर्फ घूमने के लिए। ये देखो ये सुनने को ही तैयार नहीं, एक जगह पर रुकेंगे नहीं, खाएंगे भी नहीं, मतलब अभी तो दूध पीते। अरे इसको क्यों नहीं, इसको नहीं आने देना है मुझे अंदर, ये पूरा खा जाएगा ये अकेला ही, इनको कुछ नहीं देगा। सो गाइस मैं खाना खाने के बाद अभी सब, और
जूली को खाना खिलाने के बाद सोने के लिए आ गया हूँ। फिलहाल तो मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। होप सो आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।